स्वागत, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आम आदमी पार्टीज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन चंडीगढ़ टुडे। साथियों, दोस्तों, कल कैप्टन साहब ने एक अनाउंसमेंट करी और उन्होंने कहा कि पंजाब में महिलाओं के लिए बस यात्रा, बस में सफर करना आज से फ्री हो गया। पहली चीज तो यह है कि कैप्टन साहब अब धीरे धीरे केजरीवाल साहब की नकल करने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में आज से लगभग एक साल पहले महिलाओं के लिए सारी बसों में, दिल्ली की सारी बसों में सफर और यात्रा करना फ्री कर दिया था, मुफ्त कर दिया था। और आज अरविंद केजरीवाल जी से सीख लेते हुए, उनके दिखाए गए नक्शे कदमों पर चलते हुए, उनकी नकल करते हुए कैप्टन साहब ने पंजाब में एक कोशिश करी कि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी जाए। लेकिन वो एक कहावत है ना कि भाई नकल में भी अकल चाहिए, जो नकल करे उसे भी नकल थोड़ी अकल के साथ करनी चाहिए। इस नकल में यह जरूर नजर आया कि नकल करने की कोशिश करी गई लेकिन अकल नहीं लगाई गई, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया गया, या कहीं ना कहीं जानबूझकर खोखला वादा, खोखली पॉलिसी पंजाब के लोगों के सामने रखी गई, पंजाब की महिलाओं के सामने रखी गई। और यह वादा उतना ही खोखला है जितनी खोखली कैप्टन साहब की सरकार है। ऐसा अक्सर होता है, ऐसे खोखले वादे अक्सर ऐसे हो जाते हैं और ऐसी खोखली नीतियां बन जाती हैं जब आप अपनी पूरी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस आउटसोर्स कर दो एक ब्यूरोक्रेट को और अपनी पूरी पॉलिटिक्स आउटसोर्स कर दो एक अलेज्ड स्ट्रेटेजिस्ट को और खुद अपने फार्म हाउस में जाकर बैठो, ऐशो आराम से मौज करो। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम रूट्स पर मैक्सिमम बसें जो हमारे पंजाब सूबे की सड़कों पर दौड़ती हैं वो तो सारी प्राइवेट हैं, लेकिन प्राइवेट बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब की सरकार ने फ्री नहीं किया। एसी बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब ने फ्री नहीं किया। वॉल्वो बसों में महिलाओं के सफर को कैप्टन साहब ने फ्री नहीं किया। और मैं आपको आज कुछ आंकड़े देना चाह रहा हूं। पंजाब की सड़कों पे दौड़ने वाली बसें 70% से ज्यादा रूट्स पर, 70% से ज्यादा रूट्स पर दौड़ने वाली बसेस प्राइवेट हैं, यानी कि निजी हैं, सरकारी नहीं है। मैक्सिमम लिंक रोड्स पर जो सड़कें जो लिंक करती हैं पंजाब को एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे जो बसें दौड़ती हैं वो प्राइवेट बसें हैं, सरकारी बसें नहीं हैं। और रूरल पंजाब, हमारे पिंड में, गांव में जो बसें दौड़ती हैं, एक पिंड से दूसरे पिंड को जोड़ती हैं, वो सारी बसें प्राइवेट हैं, सरकारी नहीं हैं। और कैप्टन साहब ने प्राइवेट बसों में सफर को फ्री नहीं किया, केवल 5-10-15% सड़कों पर दौड़ने वाली सरकारी बसों को फ्री करने का एक खोखला वादा, एक खोखली पॉलिसी जनता के सामने रखी है। और सरकारी बसों में भी जो सफर को फ्री किया, उस 15% में भी, जो 15% रूट्स पे दौड़ती हैं बसें जो फ्री किया, उसमें भी एसी बसें जो पंजाब सरकार चलाती है उसे फ्री नहीं किया, जो वॉल्वो बसें पंजाब सरकार चलाती है उसे फ्री नहीं किया, एचवीएसी की बसें फ्री नहीं करी, और
पंजाब की आंख में, पंजाब की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम पंजाब सूबे के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने किया है। इसीलिए कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए। आज आम आदमी पार्टी, कैप्टन साहब ने केजरीवाल साहब की नकल करनी शुरू करी, अच्छी बात है, नकल करिए, लेकिन आज नकल करनी है तो पूरी नकल करिए। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है, ये मांग करती है कैप्टन साहब से कि आप हमारे सूबे में, पंजाब में सारी महिलाओं के लिए हर बस में यात्रा सफर फ्री करिए, मुफ्त करिए, चाहे वो प्राइवेट बसें हो, चाहे वो वॉल्वो बसें हो, चाहे वो एसी बसें हो। हम ये नहीं चाहते कि 70-80% बसों में महिलाओं को आज भी बस में चढ़ के टिकट खरीदनी पड़े। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।